नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लीजिए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। ये इससे लाइन जाती हुई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ओ हो गया इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान से समझिए कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दो स्फीयर से मिलकर बना है, दो स्फीयर के पार्ट से। जैसे एक तो स्फीयर ये होगा इधर, जो इसका ये पूरा कर रहा होगा स्फीयर, ठीक। एक इधर वाले पार्ट का स्फीयर होगा, मैं आपको डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं, एक इस सरफेस के लिए ये कहीं स्फीयर होगा, और ऐसे ही ये जो सरफेस है इस सरफेस के लिए इधर एक स्फीयर होगा। यानी कि दो स्फीयर से मिलके, दो स्फीयर के पार्ट से मिलके ये लेंस बना हुआ है, ठीक है। अब जैसा मिरर में होता था कि जो स्फीयर होता था उसका जो सेंटर होता था वो क्या कहलाता था, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, मिरर में। लेकिन ये जो स्फीयर है इसका ये जो सेंटर है, ठीक है, यहां पर उसको सी रख के उसको हम क्या बोलते हैं, टू एफ बोलते हैं। तो एक टू एफ इधर हो गया और एक टू एफ इधर हो गया, क्योंकि आप मालूम है कि ये सेंटर ऑफ पॉइंट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था मिरर में, वो फोकस जो होता था वो उसका मिड पॉइंट होता था, तो डबल डिस्टेंस होती है। तो ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक 2f इधर हो गया और एक 2f इधर हो गया, लेफ्ट साइड दोनों में हो गए, ठीक है। और उन दोनों का मिड पॉइंट ये फोकस हो गया, तो एक f इधर हो गया और एक f इधर हो गया। अब हम इनको अलग अलग करने के लिए ये 2f डैश और ये f डबल डैश और एक, ठीक है, या 2f1 f1 कह दें, f2 2f2 कह दें, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। देखिए क्या होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्रेक्शन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से होके पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, और इसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो वेन एवर द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कम्स या इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस, आफ्टर रिफ्रेक्शन इट पासिस थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस और फोकस ऑफ ए लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, बस में आ गई। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस ये इसकी फोकल लेंथ स्मॉल एफ कहलाती है। तो समझ आ गया होगा फोकल प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का और फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, तो इसको हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है, फैलाता नहीं है, डाइवर्ज नहीं कराता, कन्वर्ज करता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस, कि कॉनकेव लेंस की प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है, ये आपका हमने कॉनकेव लेंस बता दिया, ये इसका ओ हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई,
ठीक है। अब देखिए कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कॉनकेव लेंस में, ठीक, तो आफ्टर रिफ्रेक्शन ये एक पॉइंट की डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाती है। ये पॉइंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाती है, जैसे डेड डेस्क करके दिखा रहा हूं, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये लाइट रे, सॉरी एक मिनट, लेंस है ये, दोबारा बना रहा हूं इसको, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका ओ हो गया, ठीक है। तो लाइट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट, इसको मैं डेड डेस्क करके दिखा रहा हूं, ये इधर चली गई इसकी डायरेक्शन में, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है, ये लाइट इधर आई इसकी डायरेक्शन में इधर चली गई, ये आई इसकी डायरेक्शन में इधर चली गई, ये आई इसकी डायरेक्शन में इधर चली गई और ये आई इसकी डायरेक्शन में इधर चली गई, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाती है, यही पॉइंट फोकस कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस ये आपकी फोकल लेंथ स्मॉल एफ कहलाती है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जो आपने कॉनवेक्स लेंस देखा उसमें फोकस राइट साइड में होता है, इधर से होकर पास होती है सारी, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकस रियल फोकस कहलाता है, क्योंकि उसी पॉइंट से होकर पास हो रही है लाइट रेज, उसका रियल फोकस है। लेकिन कॉनकेव लेंस में ये रियल ना होकर वर्चुअल फोकस है, क्योंकि ये लेंस के पीछे उसकी डायरेक्शन में लाइट रे डाइवर्स होती है, तो कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है, रियल फोकस नहीं होता, लेफ्ट साइड में होता है, और कॉनकेव कॉन्वेक्स का राइट साइड में होता है। अब आप देख रहे हैं लाइट रेज कॉनकेव लेंस से डाइवर्ज हो रही है, तो इसीलिए कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी